अगर आप एक 3D विजुअलाइजर है तो डेफिनेटली आज के वीडियो आप सभी के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट D5। अभी जिन लोगों ने D5 का नाम नहीं सुना है, सो लेट मी इन्फॉर्म यू कि D5 हमारे पास एक न्यू रेंडर इंजन है जो कि रियल टाइम रेंडरिंग पे काम करता है। आप पैरेलली इसको लाइसेंस करा सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के साथ में, 3D सॉफ्टवेयर के साथ में। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट D5 के बारे में सीखने वाले हैं कि कौन कौन से ऑप्शन D5 में आपके पास होते हैं, किस तरह से आपको उन ऑप्शंस को यूज करना है, जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट मटेरियल्स, हम लोग बात करेंगे अबाउट लाइटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स, एनवायरनमेंट, सन सेटिंग, HDRI सेटिंग एंड अनदर ऑप्शन। इसके बाद हम लोग यहाँ पे किस तरह से आपको एसेट्स को प्लेस करना है, प्री डिफाइंड मटेरियल्स को आपको यहाँ पे यूज करना है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एट द एंड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह से आपको इन सभी ऑप्शंस को यूज करके कंप्लीट विजुअलाइजेशन को क्रिएट करना है, जिसमें हम लोग इस पर्टिकुलर एक्सटीरियर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इन सभी इफेक्ट्स को हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सभी चीज़ों को बहुत डेप्थ में कवर अप करने वाले हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आप इन सभी ऑप्शंस को और ज़्यादा डिटेल में कवर करें, सो यू कैन चेक माय कोर्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने इन सभी ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस किया है। एट द सेम टाइम एक्सटीरियर इंटीरियर के रिजल्ट्स आपको कैसे बनाने हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने बात करी है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड आई विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो। यहाँ पे देखिए, जब आप D5 को ओपन करते हैं तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे इंटरफेस जो होता है वो विजिबल होता है। यहाँ पे आपको मिलेगा बिगनर्स गाइड, तो यहाँ से आप लेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे सिलेक्शन टूल्स आपको ये ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगी। ये ऑप्शंस आपके पास लाइट के लिए, पाथ के लिए, पार्टिकल्स को क्रिएट करने के लिए। यहाँ से आप कैमरा पे वर्क कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको डिस्प्ले के ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, और ये आपको नेविगेशन के ऑप्शन है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं और पूरा सारे चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है। आप यहाँ पे इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ जो ऑप्शन तो आपके पास होती है, ऑर्बिट करने के लिए क्या करना है, फ्लाई मोड के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सिंपली आपको यहाँ पे क्रॉस के आइकन पे क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपका जो इंटरफेस होता है वो यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट रहेगा, जहाँ पर आप सीएस को क्रिएट कर सकते हैं, आप लेयर्स पे काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कैटेगरीज को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ वाला जो पार्ट रहता है ये आपका यहाँ पर इंटरफेस होता है, यूजर इंटरफेस होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि व्यू पोर्ट होता है। इस पर्टिकुलर व्यू पोर्ट में हम लोग अपने मॉड्यूल को प्लेस करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें राइट हैंड साइड वाले पार्ट के बारे में, तो यहाँ पे आपको 2 टैब मिलते हैं, एक आपको एनवायरमेंट टैब मिलेगा, एक आपको यहाँ पर इफेक्ट टैब मिलेगा। तो अगर हमें इमेज चेंजमेंट करना होगा तो हम लोग यहाँ से करेंगे। इमेज मोड आपका वीडियो मोड या पैनोरमा मोड, ये आप यहाँ पे लेफ्ट सकते हैं, रेंडर क्यू का जो ऑप्शन है इसके अंदर आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें अपने मॉडल को यहाँ पर इंपोर्ट कैसे करना होता है। इंपोर्ट करने के लिए आपको बेसिकली इस पर्टिकुलर जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप क्या करेंगे, फाइल टैब में जाएंगे। फाइल टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट का, आप सिंपली इस पे क्लिक कीजिए। कौन कौन सा फाइल यहाँ पे सपोर्ट कर रहे, तो FBX करेगा, D5 करेगा, SketchUp, KDM और ABC, ये सारी फाइल्स में यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। जो भी फाइल आपके पास गिवन है आप सिंपली क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। एक और तरीका होता है यहाँ पे इम्पोर्ट करने का, उसके लिए आप जिस भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए आपको यहाँ पे लाइव सिंक्रोनाइजेशन प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे आप इसे यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पे आपको ये कुछ ऑप्शन जो होता है वो यहाँ पे आपको शो करता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये ऑप्शन आपका डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा आपके 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर को D5 रेंडर इंजन के साथ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी आपको मिलेंगे, फर्स्ट हम इसे यहाँ पे सिंक्रोनाइज होने देंगे। नाउ अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो मॉडल होगा वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा।
आप वापस से क्लिक कीजिए, दोनों स्क्रीन्स को मैं यहाँ पे स्प्लिट कर देती हूँ। इतना मैंने यहाँ पे रखा। अभी देखिए, अगर आप यहाँ पे इसमें चेंजमेंट करते तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं चेंजमेंट अपने 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में कर रही हूँ, रोटेशन कर रही हूँ, ऐसे इम्पैक्ट मुझे यहाँ पर भी विजिबल हो रहा है। ठीक है, अभी इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो व्यू है वो सिंक्रोनाइज है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है लाइव सिंक्रोनाइजेशन का, आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसका मीनिंग ये रहेगा कि अगर आप यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके चेंजमेंट करें, सपोज ये ऑब्जेक्ट है और इसमें से मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिलीट कर दिया, सो यू विल फाइंड कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ से भी रिमूव हो गया है। अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को वापस लेके आऊंगी तो वही ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर भी वापस आ जाएगा। वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट यू विल फाइंड कि वो ऑब्जेक्ट जो वो यहाँ पर भी आपका आ गया। दैट इज बिकॉज ऑफ लाइव सिंक्रोनाइजेशन। इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे हमेशा ऑन रखना है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑन होना चाहिए ताकि जो भी चेंजमेंट आप यहाँ पे करें उसका इम्पेक्ट आपको यहाँ पर भी दिखे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे व्यू को सिंक्रोनाइज करने के लिए जो हम चेंजमेंट की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे इसकी वजह से आ रहा है, लेकिन जो मैं यहाँ पे व्यू चेंज कर रही हूँ उस व्यू का जो इम्पैक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है वो किसकी वजह से दिख रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पे आपका टिल्ड है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें डिफाइव फिंगर के बारे में तो यहाँ पे भी हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं कंट्रोलिंग के लिए। जैसे अगर हम अपने राइट क्लिक जो माउस है, राइट क्लिक को अगर हम प्रेस करके रखते हैं यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग करने के साथ साथ हम उसे यहाँ पे ऑर्बिट कर सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे कर सकते हो, जैसे मूवमेंट के लिए हमारे पास शॉर्टकट्स होते हैं QWERTA का, बट अगर आप डायरेक्टली उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो बिकॉज ये ऑर्बिट के अंदर है, जब से ये वाला इशू आ रहा है, आपको यहाँ पे इसको चेंज करना होगा फ्लाई मोड के अंदर। अब आप यहाँ पे अगर क्यू को प्रेस करते हो तो यहाँ पे आप टॉप वी के साइड मूव करेंगे, अगर आप यहाँ पर ई को प्रेस करते हो तो आप यहाँ पे बॉटम एरिया मूव करेंगे। सिमिलरली एस से आप यहाँ पे जाएंगे बैकवर्ड साइड के अंदर, डब्ल्यू से आप यहाँ पे जाएंगे फॉरवर्ड साइड के अंदर, ए और डी आपका यहाँ पे वर्क करेगा अगर आपको लेफ्ट या राइट मूव करना है। तो कैमरास के अंदर यहाँ पे आपके पास कुछ और ऑप्शन मिलेंगे, लाइक आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना स्पीड के साथ आपको यहाँ पे वेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा 36 के समथिंग, अगर देखिए मैं अभी मूव करती हूँ तो यहाँ पे ये बहुत ही फास्टली मूव कर रहा है। अगर इसे स्पीड को हम लोग यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे तो उसका जो मूवमेंट स्पीड होगा वो यहाँ पर आपका डिक्रीज हो जाएगा। इस पर्टिकुलर ऑप्शन की वजह से आप यहाँ पे इक्विपमेंट का जो आई लेवल है उसे आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1.6 मीटर होता है, इससे आप यहाँ पे टिल्ट कर सकते हैं। सो अगर किसी कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ जाए तो वो बहुत यहाँ पे कर सकते हो। इसको मैं बाय डिफॉल्ट 0 जितना का उतना ही रखूंगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें इन ऑप्शन के बारे में तो इन ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपको जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली आपको सभी सॉफ्टवेयर से मिलते हैं। फाइल के लिए न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन करना, रीसेंट फाइल्स को ओपन करना, सेव करना, वो सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। इंपोर्ट करने, रेंडर करने के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन गिवन है, यहाँ से आप कर पाएंगे इसको एडिट। तो अगर आपको किसी को ग्रुप पे कन्वर्ट करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अनग्रुप करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। क्लियर है, जो तो आपने आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को शो कराना चाहते हो वो आप यहाँ पे सेट करेंगे। इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पर गिवन है। यहाँ पे आपको करना है इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है इंपोर्ट करने के लिए, आपके पास बाहर भी ऑप्शन गिवन है, आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन की हेल्प से भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा एसेट का, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो एसेट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रॉम D5, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे गिवन होंगे। अगर आप मॉडल पे क्लिक करेंगे तो मॉडल की कैटेगरीज जितने भी होती है वो आपको यहाँ पे दिखेगी, लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेचर, कैरेक्टर, एनिमल, व्हीकल्स, फर्नीचर, काफी सारे ऑप्शन है, इनके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मटेरियल्स का और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पार्टिकल्स का, लाइक फोग ऐड करने है, फायर ऐड करने है, आपको फाउंटेन्स ऐड करने है, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। क्लियर है, इस पर्टिकुलर ऑप्शन में हम लोग यहाँ पर सीन्स को सेट करते हैं। तो लेट्स सपोज कि मुझे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, मतलब मुझे मेरा जो एंगल होगा व्यू कैप्चरिंग का वो मेरा ये रहने वाला है।
सबसे पहले मैं यहाँ पे काम करूंगी, सबसे पहले जो जितने भी व्यूज मेरे होते हैं मैं मैक्सिमम ट्राई करती हूँ कि मैं 2 पॉइंट परस्पेक्टिव उसको एंडर करूँ, ताकि मेरा जो मॉडल है वो यहाँ पे स्ट्रेट दिखे। उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, परस्पेक्टिव व्यू को आपको यहाँ पे ऑन रखना है, मतलब ये ब्लू होना चाहिए, और अगर आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट परस्पेक्टिव ऑन हो जाता है। अगर आपको 3D में काम करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, 3 एक्सिस के अंदर काम करना है तो, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे परस्पेक्टिव 2 पॉइंट परस्पेक्टिव व्यू को एक्टिव कर पाएंगे। तो लेट्स सपोज मैंने ये एंगल मेरा यहाँ पर सेट किया, और सीन को क्रिएट करने के लिए मुझे सिंपली क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर मैं कहीं पर भी मूवमेंट करती हूँ, ठीक है, ये मैंने मूव किया और जैसे मैं सीन पे क्लिक करूँगी मेरा सेम व्यू यहाँ पर एक्टिव हो जाने वाला है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सीन को ऐड करने के लिए शॉर्टकट है Alt+S, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। मोर के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो आप ट्रांजिशन करना है तो वो सारे ऑप्शन पे क्लियर करने के लिए है, अप्लाई टू ऑल के लिए ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको मिलने वाले हैं लेयर्स के ऑप्शन। तो अभी आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं वो डिफॉल्ट लेयर के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करूँगी, लाइक ट्री, प्लांट्स और अदर थिंग, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सेपरेट लेयर को क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस के आइकन पे, क्लिक किया न्यू लेयर एक्टिव हो गया। डबल क्लिक करके आप इसको जो नेम है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ट्री रखा। और जैसे आप क्लिक करते हैं ना, जिस भी पर्टिकुलर लेयर पे आपको टिक का ऑप्शन दिख रहा है वो लेयर फिलहाल के लिए आपके यहाँ पर एक्टिव है, तो मुझे ट्री पे काम करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। ठीक है, नाउ लेट्स से कि मुझे ट्री को यहाँ पे ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पीड को मैं यहाँ पे इंक्रीज करूँगी और यहाँ पे लेट्स सी ठीक है, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आप इसको चेंज कर दीजिए पर्सपेक्टिव के अंदर, ताकि वो एंगल में प्रॉब्लम ना करे। लेट्स सी कि मुझे यहाँ पर एक प्लांट को ऐड करना है, ये ट्री को ऐड करना है, तो ट्री का लेयर एक्टिव है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एसेट टैब के अंदर और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे मॉड्यूल्स। तो हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, नेचर कैटेगरी में, और यहाँ पे आपको क्या मिलने वाले, काफ़ी सारे जो ट्री की ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिलने वाले। तो जो भी ट्री को आपको यहाँ पर यूज़ करना है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ये लिया, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे विद इन सम टाइम आपका जो मॉडल होगा वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पे टिक का ऑप्शन आपको दिखेगा, आप सिंपली ड्रैग कर सकते हैं और यहाँ पे अपने मॉडल को इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। क्लियर है, क्रॉस करने के लिए यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं, और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये लेयर इसमें एक्टिव हो गया। अगर आप इसको हाइड करेंगे वो मॉडल आपका यहाँ पे हाइड हो जाएगा। सिमिलरली ये आपका हमारा यहाँ पर मेन लेयर रहेगा, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे लेयर पे काम करना है। अगर आप इस लेयर को लॉक कर देते हैं तो आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में चेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं मूव और रोटेट करने के लिए, स्केल करने के लिए। तो इसके लिए शॉर्टकट आपको यहाँ पे वी रहता है, वी को प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं करूँगी एस्केप और यहाँ पे देखिए ये ट्री मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मुझे इसको मूव करना है, जिस एक्सेस से मुझे मूव करना है उस पर्टिकुलर एक्सेस के अंदर मैं यहाँ पे इसे मूवमेंट करूँगी। मुझे टॉप में जाना है तो टॉप में मूव कर सकते हैं, लेफ्ट में जाना है लेफ्ट में या राइट में, और फ्रंट या बैक में जाना है तो इस एक्सेस के लोग हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे। अगर आप इन डॉट्स पे क्लिक करते तो 2 एक्सेस यहाँ पे राइट नाउ इनेबल हो जाती है। ठीक है, मॉडल पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप जाते हैं राइट क्लिक करते हैं, अगर मुझे इस मॉडल को एग्जैक्टली इसके सरफेस पे प्लेस करना है तो अगर आप एक्सेस के अंदर मूव करेंगे तो मे बी और मे बी नोट वो करेक्टली प्लेस हो। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैनल को इनेबल करेंगे, आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप वर्टिकली। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे वो यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्ट करेक्ट पोजिशन पे यहाँ पर आपका प्लेस हो जाएगा। ये देख लीजिए, लाइक मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर करूँगी मूव और वो करेक्टली यहाँ पर आपका प्लेस हो गया है। इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मॉडल्स को प्लेस कर सकते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको यहाँ पे मॉडल्स मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे आपका मूव रोटेट हो गया,
ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, आप क्लिक कीजिए। अगर हम इन पॉइंट्स पे पिक करके मूवमेंट करते तो यहाँ से ये मूव कर रहा है, ठीक है, इनकी हेल्प से भी ये मूव कर रहा है। राइट क्लिक करके मैंने इसको किया यहाँ पर ड्रॉप वर्टिकल। अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्लिक करके मूव करते हैं तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ड्रैग करते हैं, यहाँ पर ये इसको रोटेट कर रहा है। कंट्रोल प्लस जेड इसको अंडू। तो अगर आपने किसी इनकरेक्ट टर्म को यूज कर लिया है तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस जेड को प्रेस कर सकते हो, क्लियर है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, ये देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मटेरियल को पिक करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल इस पे मुझे ग्रास मटेरियल को लगाना है तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट भी यूज कर सकती हूँ, आई शॉर्टकट होता है। आप इसको पिक करेंगे तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी ना मटेरियल्स की, वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी, इंक्लूडिंग इस बेस कलर, नॉर्मल, स्पेक्युलर, रफनेस, मेटेलिक और काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन है। तो जिस भी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे काम करना है उस पर्टिकुलर ऑप्शन पे आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। अगर आपको बेस कलर मैप के थ्रू जाना है तो यहाँ पर आपको जो इसका मैप होगा वो डिफाइन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसकी एसिड लाइब्रेरी से पिकअप करना है मटीरियल्स को, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसिड्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको पिक करना होगा मटीरियल्स को। और यहाँ पे आपको क्या चाहिए वो उसकी कैटेगरीज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, अदर्स पे चेक कर लीजिए, ये देखिए बेसिक ग्लास मटेरियल, आप इसको यहाँ पे लोड कर सकते हैं और इसको आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो ग्रास है वो यहाँ पर आपका ऐड हो गया है। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट मिले हुए हैं, तो इनके थ्रू आप यहाँ पे चेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी आपके पास हैं, लाइक इसके बेस कलर को आप चेंज कर सकते हो, ये कलर में आता है, ठीक है। हाइट आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे इस तरीके से, यहाँ सब कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी डेंसिटी को स्विमिंग कर सकते हैं आप इसके यहाँ पे, तो अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो इसको जीरो रखिए, इंक्रीज कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको यहाँ पे जीरो रखेंगे। ये आपको यहाँ पे ब्लेंड अमाउंट मिला हुआ है, तब यहाँ पर इसको ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है नॉर्मल का, आप नॉर्मल पे काम कर सकते हैं। अगर आप इसको जीरो रखते हैं तो वो एक लेवल पे रहता है, बट अगर आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आप इसमें नॉर्मल वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। ऐसे स्पेक्युलर और रफनेस का भी टैब आपके पास है, इन पे भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। रैंडमाइजेशन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लाइक ऑफसेट अगर ऐड करना है तो वो वाई में करना है तो वाई में कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेचिंग करने का यहाँ पे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कुछ ऑप्शंस मिलते हैं आपको एडवांस के, तो यहाँ पे लिमिट कलर करके कुछ ऑप्शन है, आप इसमें यहाँ पे काम कर सकते हो। Thank you.
ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सभी मटेरियल्स को एडिट कर दिया है। नाउ मटेरियल्स पे काम करने के बाद इसके अलावा देखिए मेरे पास कौन कौन सा ऑप्शन होता है। यहाँ पे देखो आपके पास ना दो ऑप्शन रहेंगे, एक एनवायरनमेंट का टैब रहेगा, एक आपको यहाँ पर इफेक्ट का टैब मिलेगा। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट के बारे में तो यहाँ से आप अपने सन को, स्काई को, क्लाउड्स को, इनको मैनेज कर सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ये बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है आपकी टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपका ये जो एंगल है बिल्कुल टॉप पे हो तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या टाइम अभी हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टाइम मैनेज कर सकते हैं। लाइक अगर आपको इवनिंग टाइम चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, सेम मॉर्निंग है, सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके पास गिवन है। ठीक है, यहाँ से आप इसके नॉर्थ ऑफसेट वेन्यू को चेंज कर सकते हैं। सन की पोजिशन आपके कहाँ पे होनी चाहिए वो आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे क्लाउड्स के अंदर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन है। अगर नहीं करना तो आप यहाँ पे इसको ऑफ कर सकते हैं, क्लियर वेदर आपको मिलेगा। अगर आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें आप अमाउंट डिफाइन कर सकते हैं कितना अमाउंट आपको चाहिए, यहाँ से आप थिकनेस मैनेज करेंगे इस तरीके से, यहाँ से मैनेज करेंगे इसके डेंसिटी को। ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पर हाइट ऐड करने के लिए है, वो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपकी यहाँ पे स्पीड रहेगी, फॉर एग्जांपल मैंने अमाउंट को यहाँ पे कम किया तो यहाँ पे जो क्लाउड्स है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो कितना स्पीड से ये मूव कर रहे हैं यहाँ पे ये ऑप्शन डिफाइन करेगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डायरेक्शन का, वो आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। कास्ट शेडो का ऑप्शन आप ऑन कर सकते हैं ताकि शेडोज में भी इसका इम्पैक्ट आए, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को यहाँ से अनटिक करके रखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसको ऑफ करेंगे। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है फोक का, आप यहाँ पे फोक को ऑन कर सकते हैं और यहाँ से आप फोक वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, तो कितना फोक आपको रखना है वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। यहाँ से आप इसका हाइट मैनेज करेंगे इस तरीके से, ये इसका यहाँ पे फॉलो वैल्यू रहेगा। क्लियर है, ये जीरो है और यहाँ पे इसका वन कर दिया। ये आपका यहाँ पे स्टार्ट डिस्टेंस है, तो कितने डिस्टेंस है जिस यहाँ पे स्टार्ट हो रही है वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। अगर आप यहाँ पे नाइट टाइम पे काम करो तो उस केस में आप यहाँ पे वॉल्यूम लाइट को ऑन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है विंड का, आप इसको यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, यानी आप यहाँ पे इसके स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको दिखेगा आपकी ट्रीज वगैरह के अंदर। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रेसिपिटेशन का, जो कि आपको यहाँ पे रेन का इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, तो ये आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे। तो आपको रेन चाहिए तो आप इसमें रेन सेट कर सकते हैं। ठीक है, स्नो चाहिए तो आप यहाँ पर इसमें स्नो सेट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ का ऑप्शन मिलता है, तो कितना स्ट्रेंथ आपको चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे लाइक दिस। ठीक है, पडल्स आप ऐड कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। लेट्स सी, मेरे को रेन पे कन्वर्ट करने, मैंने यहाँ पे रेन कर दिया इस तरह से। क्लियर है, यहाँ पे स्ट्रेंथ को हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे और ये आपके रेन के बाद पे इम्पैक्ट आएगा। यहाँ से आप इसकी पर्वल रेंज को चेंज कर सकते हैं, कितना ज्यादा आपको इम्पैक्ट रखना है उस चीज के लिए। अगर आप भी परेशान हैं कि सर हम सॉफ्टवेयर तो सीखना चाहते हैं लेकिन जब हम इंस्टीट्यूट्स पर जाते हैं तो हमें एक्सपर्ट्स नहीं मिलते हैं, अगर आप एक्सपर्ट्स के साथ सीखना चाहते हैं सो नाउ यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। PTS CAD Expert इज अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल वेयर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स विल टीच यू अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड स्पेशली द एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ AutoCAD, मैं AutoCAD का यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। AutoCAD के अंदर अगर आप AutoCAD सीखते हैं तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे फुटिंग ड्राइंग, एक्सकवेशन ड्राइंग, कॉलम डिटेल्स, DPC, फुटिंग एंड एज यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स। तो ये सब चीज़ें जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो एक एक ड्राइंग पे आपको काम करना आना चाहिए। इस तरह के 50+ सॉफ्टवेयर्स आपको PTS CAD Expert की प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जिसे आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों में देख सकते हैं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अभी PTS CAD Expert की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। क्लियर है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं HDRI के ऑप्शन पे तो यहाँ से HDRI को सेट कर सकते हैं, इसमें बाकी के ऑप्शंस आपको सेम मिलने वाले हैं। बट अगर आप कोई दूसरा और रखना चाहते जैसे वो आप अर्ली मॉर्निंग है तो आप यहाँ पे सनराइज सेट कर सकते हो, उसका इम्पेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप क्लाउडी वेदर रख सकते हैं तो वो इम्पेक्ट यहाँ पे आपका आ जाता है। क्लाउडी टू काफ़ी सारे ऑप्शन है जो आपको बेटर लगे वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसे क्योंकि मैंने रेन वगैरह के इफेक्ट डाला है तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन सेट कर सकती हूँ।
अदरवाइज सनसेट ग्लो ये भी ऑप्शन है, ये भी आप सेट कर सकते हो। क्लियर है? कस्टम HDRI ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। HDRI के काफ़ी सारे वेबसाइट्स होते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है अभी के लिए मैं उसी का यूज़ कर, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और जो भी आपके पास ऑप्शन आप यहाँ पर उसका भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? ये हम यहाँ पे सेट कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे लाइट्स आती है, तो ये कंट्रोल करता है आपकी HDRI का इल्यूमिनेशन कितना है, वो यहाँ पे आपकी लाइट वैल्यू कंट्रोल करेगी। तो वो आप यहाँ पे सेट करोगे, ये आपको ऑप्शन मिलेगा रोटेशन का। लेट्स सी कि कोई और हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे इसमें बाय डिफॉल्ट, और ये मैंने क्लाउडी वाला रखा। और ये इसका यहाँ पर लाइट अमाउंट रहेगा, ये यहाँ पर हम उसको रोटेशन प्रोवाइड करेंगे। लेट्स सी, ये वाला हम लोग रखते हैं। यहाँ से आप कलर टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे आपकी HDRI का, आपको वार्म रखना है तो वार्म की साइड ले जा सकते हैं, अदरवाइज आप उसको यहाँ पे कूल का साइड सेट कर सकते हैं। क्लियर है? अब अगर आपको HDRI के अंदर सन का इम्पैक्ट लेकर के आना है, तो यहाँ पर आपको इस वैल्यू को ऑन करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पर सन की इंटेंसिटी मैनेज कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ पर ये सन और डस्क रेडियस होते हैं, ये आपकी शेडोज को मैनेज करते हैं कि कितना सॉफ्ट शेडो आपने क्रिएट किया है, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं लाइक दिस। लेट्स सी दिस वन, ठीक है, फिलहाल के लिए इसको ऑफ रखेंगे। यहाँ पे वेदर का ऑप्शन है, तो वेदर में क्लाउड तो हम ऑन कर नहीं सकते, क्योंकि ये क्या पे क्या रहेगा HDRI के अकॉर्डिंग सेट होगा। फोग आप ऐड कर सकते हैं, कितना आपको चाहिए फोग वो आप डिफाइन करोगे, यहाँ से आप इसका हाइट मैनेज करोगे, और ये इसका यहाँ पे फॉलो वैल्यू रहेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे स्टार्ट डिस्टेंस है, वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे लाइक दिस। क्लियर है? ये वॉल्यूम लाइट का ऑप्शन अभी के लिए आपको नहीं यूज करना है। ये विंड का ऑप्शन है, ये आप यूज कर सकते हैं, ये प्रेसिपिटेशन रहेगा। अब यहाँ पे पर्डल वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। नाउ सी, ये हमने यहाँ पे क्या किया, एक इस तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। क्लियर है? यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है इफेक्ट टैब का, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हमारी इमेज के अंदर कलर करेक्शंस करते हैं। तो यहाँ से आप लट्स का यूज कर सकते हैं, उसके ऑप्शन भी आपको आपको यहाँ पे गिवन होता है, आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको इनेबल कर सकते हो। कैसा आपको चाहिए, डिसैचुरेटेड चाहिए, वाइब्रेंस चाहिए, डे नाइट है, मॉडर्न करके कुछ है, यहाँ पे डेजर्ट आप इसका यूज कर सकते हैं। कस्टम ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना, जहाँ पे भी आपने सेव किया हुआ आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एंड लाइक लेट्स से यहाँ पे इसको मैंने सेट कर दो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चीज आपकी सेट हो जाएगी, आप चाहे उतना यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ऐसे फिलहाल के लिए ये रखेंगे और यहाँ से हम इसकी इंटेंसिटी वैल्यू को मैनेज करेंगे। यहाँ पे आपके पास एक्सपोजर का ऑप्शन है, तो अगर आप इस पे एक्सपोजर पे चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे कंट्रास्ट वैल्यू आपके पास है, तो आपको कंट्रास्ट को कम करना तो आप कम कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये हाईलाइटिंग का फीचर है, हाईलाइटिंग पे आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा शेडोज का, तो आप शेडोज को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन। ये आपको ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर स्लोप का, आप इस पर काम कर सकते हैं। ये वाइट बैलेंस है, ये कंप्लीट ओवरऑल इमेज के इमेज को बैलेंस करते हैं, लाइक किस तरीके का टेम्परेचर आपको चाहिए, वार्म चाहिए तो आप वार्म कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको यहाँ पर आप ब्लू टोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये टेंट वैल्यू आपके पास है, तो ये ग्रीन टेंट और मजेंटा, तो किस तरीके का टिंट आपको चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास है ब्लूम का, ब्लूम बेसिकली डिफाइन करता है जब भी हम लोग लाइट्स को ऐड करते हैं, तो लाइट के केस में हम लोग इस पैरामीटर को यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको लेंस फ्लेयर का मिलेगा, बट ये बेटर वर्क करता है जब भी हम लोग किसी इल्यूमिनेशन वाले ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सन हो गया या कोई और हो गया, ये आपको यहाँ पे क्या करेगा, आपके जो कॉर्नर्स होंगे उसको यहाँ पे ये डार्क कर देते हैं। ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन है, ये बहुत ही छोटा सा इम्पैक्ट होता है, बट काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ये इमेज पे लेकर के आता है। ये जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना, अगर मैं क्रोमेटिक एब्रेशन को ऑफ करके रखूँगी
तो वो एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा चाहे आप उसको मूविंग कर दें, ठीक है। और अगर आप उसको इस पर्टिकुलर वैल्यू को ऑन करके रेंडर करते हैं तो देखो इस तरीके का इम्पैक्ट आपको यहाँ पर विजिबल होता है। ये सैचुरेशन है तो आपको डल चाहिए तो आप इसको डल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस वैल्यू को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि मैं ओवरकास्ट वेदर पे काम करती हूँ मैं इसकी वैल्यू को लिटिल बिट डिक्रीज करूँगी। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे पोस्ट प्रोसेसिंग के। यहाँ पर स्टाइल्स के ऑप्शन आप यहाँ पे AO मोड को ऑन कर सकते हो, क्लियर है। यहाँ पे आप इसके रेडियस को चेंज कर सकते हो। इसका यूज हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन के लिए करते हैं, जब भी हमें यहाँ पर डेप्थ को ऐड करना होता है तब हम लोग इन ऑप्शंस का यूज करते हैं। ये जी डेप्थ है, यहाँ पे आप इसकी इसको डेप्थ को ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये देखिए, ठीक है ना। तो किस तरीके का डेप्थ आपको चाहिए, जहाँ पे आपका ब्लैक रहेगा वहाँ पे आपकी डेप्थ ऐड नहीं होगी, और जहाँ पे आपको व्हाइट पैरामीटर है वहाँ पे आपकी यहाँ पे डेप्थ जो होगी वो यहाँ पर आपकी ऐड हो जाएगी। तो कितना डेप्थ आपको चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ये आपको यहाँ पे आउटलाइन मोड मिलेगा, ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसमें इसको ऑफ करूँगी तो यहाँ पे इसकी लाइनिंग यहाँ पे ऐड हो जाए। जब भी हम लोग वर्क करते हैं फोटोशॉप के अंदर तब हम लोग इन पैरामीटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। इंस्पेक्टर वही है, मेटेरियल्स वगैरह के अंदर चेंज करना वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। नाउ मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट्स जो हैं जैसे ट्रेज हो गया, प्लांट्स हो गया, मुझे इन चीज़ों को प्लेस करना है। नाउ इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट लाइटिंग, ये हम लोग बाद में स्टेप करेंगे इन चीज़ों को ऐड करने के लिए। यहाँ पे देखिए आपके पास लाइट्स के ऑप्शन है, इस पर्टिकुलर ऑप्शन के अच्छा लाइट को ऐड कर पाएंगे। शॉर्टकट्स यहाँ पे आपको गिवन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। पॉइंट लाइट के लिए आपको नंबर 1 प्रेस करना है, स्पॉट लाइट के लिए 2 करना है, स्ट्रिप के लिए 3 और रेक्टेंगल के लिए 4। बट बेटर रहेगा कि अगर आप सेम स्टेप को यहाँ पे फॉलो करें। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको कैमरा के जो सिंक्रोनाइज व्यू का ऑप्शन है इसको मैं यहाँ पे ऑफ करूंगी, ताकि अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो उसका इम्पैक्ट मेरे D5 वाले इम्पैक्ट के ऊपर ना आए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगी, जैसे D5 का लाइव सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन मेरे को यहाँ पे गिवन है, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, D5 फ्लाइट को ऑन करूंगी। चार लाइट यहाँ पे मुझे मिल गई है, ये वेरे का लाइट है, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी स्पॉट लाइट के अंदर। बट उसके लिए हम लोगों को एक छोटा सा स्टेप करना है, उसके लिए यहाँ पे आपको लाइन को क्रिएट कर लेना है और यहाँ पर आप एक स्ट्रेट लाइन को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे स्पॉट लाइट के अंदर और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से एक लाइट को ऐड कर देंगे, वो पूरा लाइट आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। इस लाइट का इंटेंसिटी कितना है वो आप इस पर्टिकुलर वैल्यू की हेल्प से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ये फिलहाल के लिए HDRI को कंट्रोल कर रहा है, आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। Let's see. थोड़ा हम यहाँ पे इसके पास जाएंगे और हम लोग इसकी वैल्यू को यहाँ पे चेंज करेंगे। ना देखो IES हो गया, ये इसकी लोकेशन वगैरह हमारे पास है, ना आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा गड़बड़ जो हमने किया, हमने इसको सेव नहीं किया था, थोड़ा सा चीज हम लोग वापस से रिपीट करेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इसकी इंटेंसिटी वगैरह को देखिए, देखिए इंटेंसिटी 0 है तो इसका वैल्यू कम हो गया है, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पर बढ़ जाएगा। ये आपका डिफाइन करेगा कोन एंगल, ये आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये रेडियस होता है, कितना बॉटम तक आपको इसका इम्पैक्ट है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। लाइट सोर्स रेडियस है, ये आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। विजिबल एंड रिफ्लेक्शन ऑप्शन ऑन है, यहाँ से हम कंट्रोल करेंगे इसका टेम्परेचर को, मुझे वार्म में चाहिए, मैंने यहाँ पे वार्म पे किया। कॉस्टिक्स को ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो थोड़ा सा स्टेप जो यहाँ पे मिस हो गया उसको फटाफट से चेक कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे मुझे चाहिए का क्लाउडी टोन, ये मैंने यहाँ पे सेट किया। यहाँ पर हम चेंज करेंगे इसका लाइट, कितना लाइट आपको यहाँ पर ये चीज चाहिए। यहाँ से हम कंट्रोल करेंगे इसका टेम्परेचर, यहाँ से हम इसको करेंगे रोटेट, जिस एंगल में आपको रखना है वो एंगल आप सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लाइट को थोड़ा सा और कम कीजिए, इसके अंदर आप यहाँ पर फोग ऐड करना था, हम लोग यहाँ पर फोग ऐड करेंगे इस तरीके से। यहाँ से हाइट, यहाँ से हम लोग डिफाइन करेंगे फॉल ऑफ,
ठीक है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन ऑन करना है, उसको ऑन कर दीजिए। स्ट्रेंथ को कीजिएगा कम, पडल्स को कीजिएगा यहाँ पर जितना आपको रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा इफेक्ट्स में थोड़ा बहुत चेंजमेंट्स हमने किया था, हमने यहाँ पे ऐड करना है सबसे पहले लट्स, नाज हम डिफाइन करेंगे इसका इंटेंसिटी, पोस्ट प्रोडिक्शन एक्सपोजर हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, समथिंग इतना 0.13 की समथिंग में यहाँ पे रखूंगी। कॉन्ट्रास्ट हम लोग बैलेंस करेंगे इसका, हाइलाइटिंग फीचर पे हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, ये आपका शेडोज का ऑप्शन है, इस पर आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, ये स्लोप है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रहेगा वाइट बैलेंस, ये आपका यहाँ पर रहेगा टेंट, ग्लूम इफेक्ट, लेंस फ्लेयर, दिस वन आई थिंक इस पे काम करने का जरूरत नहीं, क्रोमेटिक एब्लेशन पे, सैचुरेशन, एओ डेप्थ, इनको हम लोग फिलहाल के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। एंड लेट अस क्रिएट एन अनदर सीन, यहाँ पे क्रिएट किया ताकि अगर इनके से आप गलती से हम उसे चेंज कर लें, इन्हें वापस से चेंजमेंट करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ ये हमें यहाँ पे क्या करना है, क्लिक कर देना और वो सारे इम्पैक्ट आपके पास वापस आ जाने वाले हैं। नाउ यू कैन सी कि कैसे इम्पैक्ट आ रहा है, आप यहाँ पे सीधा देखिए इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। नाउ यहाँ से इसका इंटेंसिटी बैलेंस करेंगे आप इस तरीके से, क्लियर। ये आपका यहाँ पे रहेगा कोण एंगल, दिस वन रेडियस, लाइट सोर्स रेडियस, विजिबल रिफ्लेक्शन ऑन रखेंगे, और यहाँ पे कॉस्टिक्स अगर आपको प्रोवाइड करने तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको उस ऑप्शन को यहाँ पर अनटिक रखना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखिएगा आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइट का, वो शो लाइट सोर्स, इसको आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये इम्पैक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, क्लियर है, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा सा आई थिंक हमें इंटेंसिटी को कम करने का ज़रूरत है, तो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसकी इंटेंसिटी लेने को हम लोग यहाँ पर डिक्रीज करेंगे, लिटिल बिट मोर तक कर दीजिए, डिक्रीज कर दीजिए, बेटर फॉल ऑफ, आप चाहे तो इंक्रीज, जस्ट अ सेकेंड, पिक कर लीजिए इसे, कोण एंगल, बेटर। नाउ हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे शो लाइट्स, ठीक है। ये हमने यहाँ पे किया, नाउ आई थिंक इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करने का जरूरत है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे थोड़ा टॉप पे हम लोग मूव करेंगे, आई बटन प्रेस करेंगे इसे सेलेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी को हम लोग इंक्रीज करेंगे लाइक अभी कितना जरूरत है आपको, आपको उसके अकॉर्डिंग इस चीज को यहाँ पर सेट करना है। अभी देखिएगा यहाँ पे क्या है, ब्लूम नहीं है, हम लोग क्या करेंगे इफेक्ट के टैब पे जाएंगे और यहाँ पे इसके ब्लूम वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि ये वाला जो एरिया यहाँ पे क्या हो जाए, थोड़ा सा इम्पैक्ट मुझे मिले, ये मैंने यहाँ पे सेट किया, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर ऑप्शन आता है पाथ टूल का, पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं, कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, व्हीकल्स ऐड कर सकते हैं, एनिमल्स ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि मुझे एक व्हीकल ऐड करने, मैंने यहाँ बेस पे क्लिक कर दिया, तो वही है एसेट लाइब्रेरी को ओपन करेगा और यहाँ पे आपको एसेट्स मिल जाएंगे, तो कौन सा वाला एसेट आपको चाहिए आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं, वही प्रोसेस रहेगा, डाउनलोड होगा और जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वहाँ पे आप इस चीज़ को ऐड कर पाएंगे। तो क्लिक कर दीजिएगा इस पर और यहाँ से आपको उसमें एक पाथ डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ से जाइएगा और यहाँ पे लेट्स सी मैंने इतना पाथ इसमें ऐड कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, वो ऐड होना स्टार्ट हो गया इस तरीके से, ठीक है। ये आप यहाँ पे कर सकते हो, फिलहाल के मैंने यहाँ पे इसको डिलीट किया, हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं सिर्फ एक कार को ऐड कर दूंगी, किधर चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर दो, लेट्स सी यहाँ पे हम लोग रखेंगे, थोड़ा टॉप पे ले जाइए, राइट क्लिक और ड्रॉप बटन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो और टूल्स के ऑप्शन है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं स्कैटर करने के लिए, ब्रश करने के लिए इसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे पार्टिकल्स को ऐड करने का ऑप्शन है, तो कहीं पे आपको फायर ऐड करने, फूड ऐड करने, फाउंटेन्स ऐड करने, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं।
फायरवर्क्स कर सकते हैं, स्मोक कर सकते हैं। देखिए फायरफ्लाइज के ऑप्शन है, एग्जांपल के लिए करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐड कर देना है एंड सेव। ये देखिए इतना इजी है, सिर्फ आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। बर्ड्स ऐड करने क्लिक करो, और यहाँ पे आप इसको ऐड कर पाएंगे लाइक दिस। इस तरीके से क्लियर है। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको यहाँ पे डिलीट करेंगे, सिंपली बस आपको सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देना है। क्लियर। नाउ थोड़ा बहुत चेंजमेंट हम लोग यहाँ पे करेंगे कैमरा सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ से आप सेट करोगे आपका ऑफसेट ऑफ व्यू एंगल, कितना एंगल से आपको कैप्चर करना है। यहाँ से हम सेट करेंगे इसका डिस्टेंस लाइक दिस। ये आपका यहाँ पे क्लिपिंग के लिए होता है, फिलहाल के लिए ऑफ रखेंगे इसको। डेप्थ ऑफ फील्ड कब चाहो तो इनेबल कर सकते हो, अभी के लिए ऑफ रख सकते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले वैल्यू है तो क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले हो रही है, जैसे मैंने यहाँ से सेट किया था फाइल टैब और व्यू टैब के अंदर, सॉरी यहाँ से हमने सेट किया था शो लाइट्स हो, तो डायरेक्टली बाहर से भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको ऑफ रखिएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है। बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करने के बाद आपका जो फाइनल एंगल होगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो होने वाला है। सो ये पर्टिकुलर प्रोसेस रहता है आपका D5 के अंदर काम करने के लिए। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप यहाँ के देखिए जो ऑप्शन हमने पहले डिस्कस किए थे उन्हीं ऑप्शन को चेंज करके मैंने यहाँ पे कुछ सीन्स क्रिएट करे हैं। जैसे ये तो हम लोगों ने कवर किया था ओवरकास्ट वेदर का, सिर्फ मैंने इसका एक और सीन क्रिएट कर दिया जिसमें मैंने अपने एंगल को थोड़ा पीछे कर दिया क्योंकि ज़्यादा बेटर लग रहा है एज कम्पेयर उसके। तो बाकी के जितने भी सीन थे वो सेम एंगल पे हैं। तो एक तो मैंने ये ओवरकास्ट वेदर क्रिएट किया है, एक अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ये सनसेट टाइप का एनवायरनमेंट जो है वो मैंने यहाँ पे बनाया है। वही ऑप्शन को आपको यूज करना है, एच डी आई प्लेस करना है और जो डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हैं उनके ऊपर आपको यहाँ पे काम करना है। सेम तरीके का यूज करके मैंने यहाँ पर एक सनी वेदर क्रिएट किया है, तो उसका इम्पेक्ट कुछ इस तरीके का मिल रहा है और यहाँ पे एक इम्पेक्ट आपको मिलेगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये इन्हीं ऑप्शन से चेंज करके आपको मिल जाएगा। नाउ देखो होता क्या है, जब हम लोग सभी चीज़ों को प्लेस कर देते हैं तो प्लेसमेंट के बाद पे हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं वीडियो बनाने के लिए या फिर इमेज क्रिएशन के लिए। तो यहाँ पे ना आपके पास ऑप्शंस होते हैं, अगर आप यहाँ पे इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ठीक है, तो यहाँ से पूछेगा कि आपको क्या क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मोड में आ रहा है इमेज, तो आपको इमेज मिलेगा, जो एंगल आपको दिख रहा है वो एंगल में आप कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा पेनोरमा का, ये बेसिकली क्या करेगा 360 इमेज आपको क्रिएट करके देगा। फिलहाल के लिए हम लोग इसको इमेज पे रखेंगे। कुछ ऑप्शंस स्टिल आपको यहाँ पे मिलेंगे लाइक FOV के, जो कि कंट्रोल करता है फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 70 आप चाहो तो इसको स्ट्रेच कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैं वही इसको रखूँगी 70। ठीक है, यहाँ पे फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ आप चेंज कर सकते हैं। ये आएगा एस्पेक्ट रेशो, तो क्या रेशो में आपको कैप्चर करने 16:9 चाहिए तो लैंडस्केप आएगा, 4:3 पे कर सकते हो, 3:2 पे कर सकते हो, 1:1 पे कर सकते हो, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे कस्टमली भी क्रिएट कर सकते हैं। सो जो भी रेशो आपको बेटर लगे, ये जो एंगल आपको दिखे जैसे 1:1 का करो तो ये यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है ना, आपको इतना एरिया मिलेगा रेंडर होने के बाद में, यहाँ पे आपको कितना रखना है वो आप सेट कर सकते हैं। मैंने रखा 16:9, तो ये वाला पार्ट यहाँ से आपका हट जाएगा। ठीक है, 4:3 में ये पार्ट आपका हट जाएगा, तो बेटर है 4:3 का रखते हैं। ये आ गया प्रीसेट साइज, तो 2K में करना है, 4K में करना है, 6K में करना है, कितना में आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सेट करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा लेट्स सी 4K, यहाँ पे आ गया आपका विड्थ और हाइट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चैनल सेव करना चाहते हैं, ये हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, जैसे स्काई मास्क, AO, मेटीरियल लाइडी, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको नीड है तो आप इसको सेव कीजिए, अदरवाइज आप इसको यहाँ पे रहने दे सकते हैं। और सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो
एड टू रेंडर क्यू, आप इसको ऐड कर सकते हो तो ये उसमें चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लेट्स सी यहाँ पे हम लोग जाते हैं सीन नंबर 5 पे, वही सारी चीज़ें, कुछ मैं चेंज वगैरह नहीं करूँगी यहाँ पे, एम डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करूँगी ऐड टू रेंडर क्यू पे, ठीक है। देन नेक्स्ट सीन नंबर 4, जो भी अगर आपको चेंज वगैरह करना तो चेंज कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। एंड देन हम लोग यहाँ पे करेंगे सीन नंबर 3 के लिए, और यहाँ पे आपको करना है ऐड के ऑप्शन पे क्लिक, डन। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मेरे को वन बाय वन करके करना होता तो मैं डायरेक्टली रेंडर कर, क्योंकि मैंने क्यू के अंदर डाला है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और ये सारा आपको यहाँ पे दिखा देगा। सिंपली क्लिक कीजिए ओल्ड पे, ठीक है, और यहाँ से आप क्या करेंगे, लोकेशन डिफाइन करेंगे, तो क्लिक करना है और क्या नेम से आप सेव करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे किया और यहाँ से मैंने कर दिया सिलेक्ट फोल्डर, एंड देन यहाँ से आप इसे करेंगे रेंड। सो आफ्टर रेंडरिंग एंड लिटिल बिट ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। सो ये कंप्लीट आपका प्रोसेस रहेगा D5 रेंडर के अंदर काम करने का। डजंट मैटर आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वंस आप अपने मॉडल को D5 में सिंक्रोनाइज कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे, उसके बाद काम करने का प्रोसेस आपका बिल्कुल सेम रहेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, न्यू वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।